जी लंदन टावर से अब हम निकल रहे हैं सीधा स्ट्रेट लंदन आई की तरफ। यहाँ से जाएंगे हम वापस 15 मिनट की वॉक पे, वॉक से वहां से हम लेंगे अपना किंग क्रॉस से जुबली लाइन और वेस्ट मिनिस्टर हमारा है नेक्स्ट स्टॉप, और वहां से हम निकलेंगे सीधा लंदन आई की तरफ। लंदन ब्रिज स्टेशन से हम ट्रेन पकड़ के जुबली ट्रेन पकड़ के यहाँ आए सर वेस्ट मिनिस्टर की तरफ, और वेस्ट मिनिस्टर पे यहाँ पे इनका सामने पार्लियामेंट हाउस है जो मैं अभी आपको दिखाएंगे। उसके अलावा अगर आप मेरे बैग पे देख रहे होंगे तो ये लंदन आई जो कि एक सिंबल ऑफ लंदन है, लंदन की पहचान है। ये मेरे सामने आपको बिल्कुल सामने आप देखें ब्रिटिश फ्लैग के साथ एक बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग नजर आ रही है और बड़ी पुरानी बिल्डिंग है। यह है इनका पार्लियामेंट हाउस वेस्ट मिनिस्टर, यहां बैठकर ये तमाम वो फैसले करते हैं जो अपने मुल्क के लिए और दुनिया के लिए भी, अपने मुल्क के लिए अच्छे करते हैं और दुनिया के लिए इतने अच्छे नहीं करते। अब ये देखें कि रिवर थेम्स जो है ना उसके साथ साथ उन्होंने कितनी एंटरटेनमेंट की चीजें बनाई हुई हैं। ये शिप्स हैं जो कि वहां से जो बोट्स वगैरह लेके आती हैं आपको पूरे इसका एक ग्राउंड लगवाती हैं, और इसी तरह आप देखें सामने आपको लंदन आई नजर आ रहा है। कितने अच्छे तरीके से उन्होंने यूटिलाइज किया अपने तमाम चीजों को और टूरिस्ट के लिए जो है अट्रैक्शन दिए उन्होंने। कुछ हो ना हो लेकिन मशहूरी बहुत है, इस बात को तो आप बिल्कुल माने। वेस्टमिंस्टर हाउस का खूबसूरत व्यू अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इनके पार्लियामेंट के सामने जो है ना बैक साइड पे जो है ना कुछ लोग जो है ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। अब समझ नहीं आ रही वो एहतजाज किसके खिलाफ कर रहे हैं और किसके क्यों कर रहे हैं। ये सामने देखें आप, आपको ये नजर आएगा, ये सामने काफी सारे लोग हैं यहाँ पे। और अच्छा ये पीटीएम वाले हैं, ये पीटीएम वाले हैं वो कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि कंफर्म हो गया फंडिंग हो रही है इनको यहां से। लंदन अंडरग्राउंड की भी अपनी एक दुनिया है, ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 10 से 12 जो कि लाइंस हैं जिनको डिफरेंट नाम दिए गए हैं, जुबली, नॉर्दर्न, पिकाडिली, बहुत सारी, पूरी कंप्लीट एक जो है ना दुनिया नीचे यहां पर। पिकाडिली सर्कस बेसिकली ये है, एक फन स्ट्रीट है, ये फन प्लेस है। यहाँ पे आपको सैंडमार्क मिलेंगे, यहाँ पे आपको थिएटर्स मिलेंगे और बहुत सारी जो है ना कि लाइव आपको यहाँ पे आपको चीजें मिलेंगी देखने के लिए, आप यहाँ देखेंगे तो इट्स ब्यूटीफुल और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। आप यहाँ आए और यहाँ आके आप घूमे फिरेंगे तब भी इंजॉय करेंगे आप। So beautiful, I don't deserve this. Don't you love paradise tonight?
जैसा कि मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस भी होती है और जिस तरह ये देखें ये लाइव परफॉर्मेंस हो रही है सामने आपके। ज्यादा गुलफाम साहब जो कि मेरे साथ मेरे पूरे ट्रिप के पार्टनर है, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं इस ट्रिप को। फाइनली जी हम अब जा रहे हैं वापस अंडरग्राउंड और यहाँ से हम जाएंगे पिकाडिली ट्रेन पकड़ेंगे और सीधा हीथरो और हीथरो से अपने होटल की तरफ। आज हम ऑलमोस्ट तकरीबन 3 पॉइंट्स को हमने कवर किया है। क्यों शहजादा गुलफाम साहब?